किसी इंसान के मौत के बाद भी प्यार करने का इतना झूठा ड्रामा कोई कैसे कर सकता है। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन के मौके पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करती हैं और लिखती हैं कि मिस यू सो मच। आप सोचिए, रिया चक्रवर्ती इतना ही मिस कर रही हैं सुशांत सिंह राजपूत को, तो फिर सिर्फ बर्थडे वाले दिन ही सुशांत को क्यों याद करी है? बाकी दिनों में तो अपनी हॉट हॉट तस्वीरें शेयर करती हैं, तब सुशांत याद नहीं आते हैं, ना ही सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आवाज उठा, क्योंकि रिया को पता है कि पिछली बार जनता के इमोशन के दबाव में जो उन्होंने इमोशनली आकर, जनता ने जब दबाव बनाया तो इमोशन में आकर, जोश में आकर पोस्ट कर डाला कि अमित शाह जी सुशांत सिंह राजपूत के मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जब सीबीआई इसमें एंट्री करती है तब एनसीबी की भी एंट्री होती है और रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक का नाम ड्रग्स वाले मामले में सामने आता है और दोनों एक एक महीने की जेल की सजा काटकर बाहर आते हैं। अब रिया चक्रवर्ती दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहती है कि भाई सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए फिर सीबीआई को प्रोत्साहित करे। वैसे भी सीबीआई तो गहन निद्रा में सो रही है, शायद कुंभकर्ण भी 6 महीने में उड़ जाता होगा, लेकिन यहां तो 2 साल निकलने को आ गए, सीबीआई जो है वो अपनी गहन निद्रा से उठ ही नहीं पा रही है। रिया सुशांत को इतना ही मिस करती है, लेकिन ड्रामे में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। अब तो रिया के पोस्ट के नीचे भी कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आपका प्यार सच्चा था लेकिन अधूरा रह गया। कुछ ऐसे भी लिखते हैं कि आप दोनों साथ में कितने क्यूट लगते थे लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। कोई ये कहता है कि दुनिया चाहे जो भी कहे मैं आपके साथ हूँ, और जिसने ये कमेंट किया है उसका परिवार खुद ही उसके साथ नहीं होगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। यही होता है जब देश का कानून निकम्मा हो जाए, बिक जाए, तब इंसाफ बीच बाजार बिक जाता है, नीलाम हो जाता है। जिसकी मौत होती है वो तो दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके पीछे वाले उसकी मौत की सजा भुगतते रहते हैं। और जिन लोगों के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इल्जाम लगा है वो लोग बस ड्रामा किए जा रहे हैं, अपनी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि हमारे देश का कानून इतना तगड़ा है, यहाँ सिर्फ गुनाहगारों को बचाया जाता है और जो बेगुनाह होते हैं उन्हें सजा दी जाती, और ये सब कुछ काम पैसे के दम पर होता है। सीबीआई जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में आती है तब ये बातें कही गई थी कि सीबीआई आ गई है, अब सीबीआई ये उखाड़ देगी, वो गिरा देगी, ये ध्वस्त कर देगी। क्या हुआ? कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसी नींद में सोई है कि भाई इसे उठाना, जिसने उठा दिया या खुद उठ गई तो ये अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने जैसा है।